आज हमारे किचन में बन रही है ढाबा स्टाइल दाल चना। यहाँ पे हमने प्याज, दो हरी मिर्चें, एक टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। और इधर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसमें हम ये जो पेस्ट हमने इसमें डाला था इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इन सब चीज़ों की स्मेल ना आए। ये हमने पीसी मिर्चें, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक और गरम मसाला लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से इस तरह का पेस्ट बना लिया है। अब जब ये अच्छे से भुन जाएगा सालन हमारा, तो हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। इस पोजीशन पे अब हम अपना हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम अपनी दाल इसमें डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अब हमने दाल इसमें डाल के फ्राई पैन में इसे अब हम ढक के हल्की सी आंच में 10 to 12 मिनट्स तक पकाएंगे, बिल्कुल हल्की सी आंच पर। ढाबा स्टाइल में दाल रेडी है। अब इसे जो खाएंगे, मतलब हर सालान टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसी बनी है। तो गाइज, ये हमारा क्रिस्पी पराठा भी रेडी है। अभी हर सालान इंटर हुए हैं घर में और मैंने जल्दी से खाना बनाया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाइव पे देर हमारे सालान में आप सबको वेलकम। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, जब घर आए तो लाइट थी, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अल्लाह का शुक्र है कि बरसात में लाइट नहीं गई थी, लेकिन बरसात ख़त्म होने के बाद फिर इन्होंने सुकून जो है वो बर्बाद कर दिया हमारा। तकरीबन एहतजाज हुआ है, बिल जो इतनी ओवर रीडिंग आई है, वो जो टैक्स वगैरह लग कर आया है, तो कमर्शियल वाले तो बेचारे परेशान हो गए रह गए। मार्केट वालों ने तो एहतजाजन अपनी शॉप बंद कर रखी है, पूरी पूरी मार्केट बंद है। ये बराबर में क्या हो रहा है, खाना नहीं खाएगा? उठे जल्दी से, दाल वीआईपी बनी है ढाबे वाली। अल्लाह भाई, ओ भाई मैं सबर तो करे, उतरा भाई, अब मैं क्या करे, नो प्रॉब्लम। खाने का चोर, खाने का चोर। सुबह की बात नहीं हो रही, अभी रात हो गई है, 10:30 हो रहे हैं, जल्दी से खाएं। नहीं खाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे हसन अपने बाबा को उल्लू बनाते हुए। गाइस, अभी मम्मी अभी हसन बना रही। कौन नहीं बना रही? मम्मा उल्लू नहीं बना रही, हसन की, तो हसन बना रही। थैंक यू। रात को और सलान को खाना वाना देकर जब फ्री हुए तो दोबारा बूंदा बांदी स्टार्ट हो गई थी। बस अल्लाह ताला से दुआ की कि अब मज़ीद बारिशें नहीं हों, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई हैं आंखों के सामने से गुजरी हैं कि बहुत सारे नुकसानात हो गए हैं, जानी माली, बहुत सारे ब्रिज टूट गए हैं। बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। आज बहुत अच्छा सा मौसम है, सूरज निकला हुआ है, काफ़ी हद तक बादल आ रहे जा रहे भी हैं, लेकिन सूरज भी झांक रहा है बादलों में से, लेकिन काफ़ी कदरे बेहतर मौसम हो रहा है। अल्लाह करे कि अब और मज़ीद बारिश ना हो, तो हमें दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें जैसे आप लोग कर रहे हैं। बस इंशाल्लाह एक दिन हम भी कामयाब हो ही जाएंगे। बोलते हैं ना कि कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को, सिला देना उस रब का काम है, उसे पता होता है कब किसको कहाँ क्या देना है, वही सब कुछ जानता है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।